दीक्षित ज्वेलर्स की ओर से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे पहले प्राकृतिक खेती के नाम पर प्रदेश में केवल संगोष्ठियों का काम होता था, जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं आया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ऑर्गेनिक खेती का बजट ही प्राकृतिक खेती की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। कृषि मंत्री ने कहा कि ऑर्गेनिक खेती की वजह से ही देश में उत्पादकता बढ़ती है। अब बिंदल साहब जो है उसका पता नहीं क्या वर्षन है और वो किस आधार के ऊपर जो है वो बोल रहा है। जो फैसला लिया गया है वो इसलिए लिया गया है कि मैंने कई बार कहा है कि प्राकृतिक खेती जो है कोई नया कंसेप्ट नहीं है और जो हमारी प्राचीन पद्धति है खेती बाड़ी की उसको प्राकृतिक खेती के रूप में ही जाना जाता है और उसमें एग्रीकल्चर को बायोकल्चर कहते हैं। खेती बाड़ी के साथ अगर पशुधन नहीं है तो वो खेती बाड़ी नहीं है। एग्रीकल्चर इज़ ए बायोकल्चर और खेती बाड़ी का ढांचा जो है वो हमारा शुरू से ही बायोकल्चर के साथ रहा है क्योंकि अब खेती बाड़ी के ढांचे में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। खेती बाड़ी मैकेनाइज्ड हो गई है और लोगों ने पशुधन रखना बंद कर दिया है। बहुत से पशु आज सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं और हमने जो है वो लगातार हमारे खेतों में जो ज़्यादा करके फर्टिलाइजर्स का जो ज़्यादा यूज किया गया है और जिस वक्त ज़रूरत थी इस देश में अन्न की कमी थी, अच्छे बीजों की कमी थी, उस वक्त जो है वो हमारे जो बढ़ती हुई जनसंख्या थी उसके लिए दो वक्त का खाना नहीं मिलता था। उस वक्त फर्टिलाइजर्स के कारखाने लगाए गए और उन्नत किस्म के बीज दिए गए, यूनिवर्सिटियों में शोध हुए और हमें ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिससे कि हमारे लोगों को जो है दो वक्त की रोटी मिली। उस वक्त SM स्वामीनाथन जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके ऊपर बहुत से शोध किए खास करके गेहूँ के ऊपर और उसका बहुत बड़ा हाथ है हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए। अब धीरे धीरे लोग जो है उस पद्धति से कुछ हटने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरत है क्योंकि ज़मीन की फर्टिलिटी जो है वो कम हुई है और कई ऐसे तत्व थे ज़मीन में जो उपजाऊपन पैदा करते थे और आज ज़मीन की जो फर्टिलिटी कम होने का कारण जो ये है कि लगातार जो है वो बड़े लार्ज स्केल के ऊपर फर्टिलाइज़र का यूज़ हुआ है। इसलिए हमारे पास एक प्राकृतिक खेती के बदले हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं। उस ऑर्गेनिक खेती में जो पशुधन है खास करके गोबर है, गुंतर है और इस तरह से कई किस्म की क्रॉप बीज जाती हैं जिसके लिए मल्चिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस फर्टिलाइजर्स को उसकी जो उर्वरता है ज़मीन की जो ताकत है उसको हम बढ़ाने के लिए इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती कोई नया कंसेप्ट नहीं है और ना ही किसी के लिए कोई पैसे का प्रावधान था। ये जो हमारी ऑर्गेनिक खेती थी उसी के पैसे को डाइवर्ट करके प्राकृतिक खेती जो है वो जहाँ पर चलाई और उसकी बड़ा ढंडोरा पीटा गया और वो पैसा कम से कम 7-8 करोड़ रुपया जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में दिया गया और उसके ऊपर सिर्फ गोष्ठियों ही प्रैक्टिकल कोई भी ज़मीन के नीचे कोई या गाँवों में इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए उस पैसे का धूम जो है वो हम चाहते हैं कि उसको ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा दिया जाए और लोगों को पशुधन जो है उसके साथ तालमेल के साथ हम ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं ताकि हम जो सॉइल है जो उर्वरता है उसकी उसको हम दोबारा रिवाइव कर सकें। तो ये कह देना कि जी हमारा प्राकृतिक खेती जो है वो बंद हो गई है, प्राकृतिक खेती कोई बंद नहीं है। प्राकृतिक खेती का मतलब ऑर्गेनिक,
एग्रीकल्चर, तो ऑर्गेनिक का पैसे को तो डाइवर्ट किया गया था कोई अलग से पैसे का प्रावधान। और ये गोष्ठियाँ जो हैं वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए, ये कम से कम फील्ड में होनी चाहिए, लोगों को वहाँ पर प्रसार प्रस्तार करना और उनको इसकी तरफ ले जाने के लिए आत्मा प्रोजेक्ट और ऑर्गेनिक खेती इन दोनों का तालमेल करके हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो गाँवों में शुरू। ऐसी बात नहीं है क्योंकि हेजल नट्स वगैरह जितने नट्स हम देते थे अपने हॉर्टिकल्चर्स को ताकि जब प्राकृतिक आफता आए ज़्यादा ओले पड़े तो कई बार सेब वगैरह जो उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचता था, ऐसा पोर्टल्स बंद नहीं हुआ है। जो जो भी सब्सिडी हमें भारत सरकार से आती है जो हम देते हैं किसानों को और बागवानों को वो जो है वो वैसे चली रही है, और इस तरह से मेडिसिन वगैरह भी दी जा रही हैं। और जो जो पहले जब स्टार्ट में जब ये हमारे पास दूसरे जो जो क्या नाम बताया आपने कि पॉली हाउसेस, पहले जब पॉली हाउसेस शुरू से स्टार्ट किए गए थे लोगों की इतनी अच्छी क्रेज नहीं थी, तो उसमें 80% सब्सिडी थी और 20% ओनर्स लगाता था। कई जगहों पर तो ये बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है, कई जगह हमारी तरफ तो फेलियर हो गई। और पॉली हाउसेस जो हैं आज भी उनकी सब्सिडी भारत सरकार ने कम कर दी है, और हम अब भी जहाँ जहाँ भी इतने हमारे पास पैसा होता है उससे लोगों को हम पॉली हाउसेस लगाने के लिए जो है पैसा देते हैं ताकि वो अपनी नर्सरियाँ उसमें तैयार कर सकें और समय से पहले जो है उस नर्सरी को तैयार करके खेतों में उसको रोप करके अपनी जो है वो इनकम पैदा कर सके। अभी मैं लाहौल में गया था, उनकी लोगों की डिमांड है कि पॉली हाउसेस हमें इसलिए भी सर्दियों में बहुत ज़रूरी है क्यों हम नर्सरियाँ रेज करना चाहते हैं, तो वो सब्सिडी हमने बंद नहीं की। जो सब्सिडी भारत सरकार देती है और जो हमारी सरकार देती है उसको हमने लागू किया। जो एक्सपर्ट्स हमारे पास दो मतलब हमारे साइंटिस्ट जो थे, दो ग्रुप जो थे वो स्टडी करने के, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में इसके ऊपर जो है वो लुधियाना यूनिवर्सिटी और दूसरे जगहों के ऊपर उन्होंने जो है वो जानकारी प्राप्त की। अभी तक स्टेटस रिपोर्ट मेरे पास आई नहीं है, लेकिन हम बड़ी जल्दी एक एक ब्लॉक में एक ऐसा केंद्र बिंदु स्थापित करने जा रहे हैं जहाँ पर हम और ज्वाइनिंग जो हमारी पंचायत्स हैं उनका गोबर खरीद करके हम वहाँ पर प्रैक्टिसेस जो है वो शुरू करेंगे ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक मैन्योरिंग तैयार करने का। उसको हम सलरी बना करके लेयर्स में उसको वहाँ पर बनाएंगे और उसके बाद उसको ड्राई करेंगे सनलाइट से, और सनलाइट से ड्राई करने के बाद वहाँ पर जो है वो इसके कार्यक्रम को हम शुरू करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि एक एक ब्लॉक में अगर हमारी सक्सेस स्टोरी अच्छी होगी तो उसको हम आगे भी रेप्लिकेट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।